अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम मार्केट इस वक्त कहाँ पे खड़ी हुई है। मार्केट की जो लास्ट क्लोजिंग आई है वो 49,493 पॉइंट्स पर आई है और मार्केट ने 721 पॉइंट्स का इजाफा किया। हाई जो मार्केट का था वो तकरीबन 49,520 था और इसका लो 48,767 था। मार्केट में तकरीबन 36-37 करोड़ का काम हुआ KSE 100 इंडेक्स की बात करूँ तो। और अगर एक्टिव स्टॉक्स को देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक, PTC, WTL इसमें जो है ना सरफहरिस्त रहे। तो अगर मैं टेक्निकली मार्केट को देखूं डे चार्ट के हिसाब से, तो डे चार्ट में मैं देखूं तो मार्केट में एक अच्छी बात यह है कि मार्केट में कोई गैप नहीं आया है। यानी मार्केट जहां से स्टार्ट हुई थी बिल्कुल विदाउट गैप ओपनिंग के, जहां पे लास्ट टाइम क्लोजिंग थी वहीं से स्टार्ट हुई और इसका एक बुलिश मोमेंटम इसमें आया और काफ़ी ऊपर इसको सेल काफ़ी ऊपर इसकी क्लोजिंग आई। और इसमें हमने देखा कि कोई एंड में कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉफिट टेकिंग आ गई या कोई इससे लगता है कि ऐसा कोई मार्केट में फेयर या पैनिक नहीं मौजूद। मेरा जो मार्केट का जो मिनिमम टारगेट था वो 48,150 था और मार्केट ने 48,150 अचीव कर लिया और वहाँ पे बगैर रुके बगैर वहाँ से रिबाउंड हुए कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। इट मीन्स कि मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम है। ऑल्दो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरबाउट हो चुकी है और इसमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकती है और मार्केट जो है थोड़ी सी वॉलेटाइल भी हो गई है। वॉलेटाइल हमने देखा कुछ सेशंस के वॉलेटाइल थे, जो सेक्टर शिफ्ट हो रहे थे उसमें जो है ना वॉलेटिली आती है, लेकिन वो एक ऐसी कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पे देखें मार्केट में थोड़ा सा रेंज बाउंड रही थी कुछ सेशंस या कुछ आवर्स के लिए, लेकिन इसको ये इतना मैटर नहीं करता। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर मैं देखूँ तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है, अगर डे ग्राफ में देखूं तो डे ग्राफ में 49,800 के करीब इसका बन रहा है। इसको मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ 49,800 पे बन रहा है, ये डे चार्ट के हिसाब से। अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो वीकली वीकली चार्ट या मंथली चार्ट में मैं देखूं तो मार्केट का जो टॉप नज़र आ रहा है या मार्केट की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो तकरीबन 50,100 की नज़र आ रही है। टॉप तो मैं इसका नहीं बोलूंगा, मैं इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बोलूंगा क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से चल रही है हो सकता है कि इससे भी ऊपर चली जाए। तो हमने ये दो लाइन ड्रॉ करी, एक डे ग्राफ पे 49,800 और वीकली ग्राफ और मंथली ग्राफ के हिसाब से 50,100, या इसको राउंड ऑफ अगर आप करते तो 50,000 भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस बन रही है। तो यहाँ पे आके ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आए या शॉर्ट टर्म एक रिवर्सल नज़र आए। तो मार्केट जैसे यहाँ पे जाए तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर नज़र आ रहा है मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर नज़र आए तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें और फिर एक डिप आए मार्केट में तो शॉर्ट टर्म अगर एक डिप आए तो वो समझ लें कि मार्केट के लिए अच्छा है, करेक्शन आनी अच्छी है, वहाँ पर आप लोग दोबारा बाई करें। मार्केट मुझे लगता है कि अगर कुछ अर्से का पीरियड देखूँ तो हो सकता है 50,000 भी क्रॉस कर जाए और हमारी हायर हाई बनाए 53,000 के करीब मार्केट जा सकती है। लेकिन मैं आगे की बात नहीं करूंगा, मैं अभी सिर्फ नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूंगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है कि मंडे को अचीव हो जाए जो कि 49,800 से लेके 50,100 के पास है। और अगर यहाँ से मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी तो डेफिनेटली फिर वो मार्केट 52,000 53,000 के पास जाएगी, और अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं दी यहाँ पे आकर रुक गई तो इट मीन्स के प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। ये तो मैंने आप लोग को इसकी रेजिस्टेंस बताई। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं, मैं डे चार्ट खोलता हूं और इसकी इंडिकेटर्स की बात करूं तो इंडिकेटर हाईली पॉजिटिव है और इसमें काफ़ी ज़्यादा समझ ले के बुलिश ट्रेंड में है। अगर MACD देखो तो MACD भी कंटिन्यूस बुलिश ट्रेंड में है, कोई इसमें मुझे पैनिक या सेलिंग नज़र नहीं आ रही या डाउन ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा या सेलिंग प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। RSI ऑल्दो ओवरबाउट है लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो RSI ओवरबाउट में होती है, तो इसको हम कोई खास खातिर ख्वाह नहीं देखेंगे। और मैं अगर ऑसिलेटर की बात करूँ तो ऑसिलेटर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, इसमें ज़रा सा भी हमें रिवर्सल का साइन नज़र नहीं आ रहा। और मैं अगर DMI की बात करूँ तो ये भी काफ़ी ऊपर और स्ट्रॉन्ग समझ लें इसमें अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल सारे इंडिकेटर्स देखूँ तो काफ़ी पॉजिटिव है, बस आप लोग को रेजिस्टेंस यहाँ पर देखनी होगी कि मार्केट हो सकता है ये रेजिस्टेंस पे टच हो जाए मंडे को और 49,800 से लेकर 50,100 तक ये रेजिस्टेंस इसको मिल सकती है। अगर इस जोन में मार्केट रही कुछ आवर्स तक रही और ऊपर नहीं जा पा रही तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, जो बाइंग प्रेशर है वो सेलिंग प्रेशर के बराबर हो गया। यहाँ पे फिर आप लोग भी सेलिंग कर सकते हैं और अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो गई तो फिर जो है ना मार्केट अपना एक हायर हाई बनाएगी। तो ये मेरी एनालिसिस थी।
इंडेक्स इंडेक्स के बारे में। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।